हाँ ठीक। क्लास 12 जैसा कि कल आपको हम पढ़ा रहे थे फॉर्मेलिटी है SCHO फॉर्मेलिटी एक्ट इन लैब मेथड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कल हमने पढ़ाया था लैब मेथड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज उसी में आपको हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं। सभी बच्चे लिखेंगे फॉर्मेलिटी एक्ट रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाम मेथेनल होता है ठीक है। तो आज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं। फर्स्ट नंबर हेड क्या दिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। मालूम है सभी को कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हीट करने पर CH3OH प्लस कहते हैं इस क्रिया को कहने जा क्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 लिखो हेडिंग अमोनिया से क्रिया अमोनिया से क्रिया अमोनिया से क्रिया। सबको मालूम है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस NH3 NH3 अमोनिया से क्रिया करेंगे तो बनेगा CH2 की होल पावर 6N4 CH2 की होल पावर 6N4 इसका नाम है हेक्सामेसिक्लीन मेसिटिलीन टेट्राएमीन प्लस वाटर जिसको हम दूसरा नाम यूरोट्रोपीन। यूरोट्रोपीन एक एंटीसेप्टिक औषधि है जिसका उपयोग गठिया नामक दवा में किया जाता है। CH2 की होल पावर 6N4 हेक्सामेसिक्लीन टेट्रामीन हेक्सामेसिक्लीन टेट्रामीन ये इसका रासायनिक नाम है हेक्सामेसिक्लीन टेट्रामीन इसको यूरोट्रोपीन कहते हैं। अब वैलेंस में जो कार्बन हमारे यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 लग जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन 6 हो गए नाइट्रोजन 4 हो गए तो यहाँ 4 लग गए हाइड्रोजन 6 6 12 चक्र 12 12 24 तो 6 2 12 और 6 2 12 12 24 ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन 6। नोट कर लो इस क्रिया को यूरोट्रोपीन अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट कर लो इस क्रिया को यूरोट्रोपीन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया को यूरोट्रोपीन अभिक्रिया भी कहते हैं यूरोट्रोपीन अभिक्रिया भी कहते हैं यूरोट्रोपीन अभिक्रिया भी कहते हैं। लिख लिया इस क्रिया को यूरोट्रोपीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा ग्रहण करो गोलकीकरण 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 कैसे होगा गोलकीकरण
फॉर्मेल्डिहाइड के जली फिल्म को वाष्पित करने पर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। मतलब SCHO प्लस H2O को गोलकीकरण करेंगे तो CH2O की पावर N into H2O, ठीक है, यहाँ N लग जाएंगे, इसको कहते हैं पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। जब भी फॉर्मेल्डिहाइड का गोलकीकरण करेंगे जल के साथ वाष्पित करेंगे तो क्या बनेगा, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। पांच चौथा नंबर लिखे हुए चार नंबर डाल दीजिए, इसी का एक और गोलकीकरण है, हेडिंग कुछ नहीं इसको लिखिए ना सीधे सीधे लिखो फॉर्मेल्डिहाइड सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा में उपस्थित आश्वन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड के तीन अणु परस्पर संयुक्त होकर या क्रिया करके मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बहुलक बनाते हैं। देखो जरा फॉर्मेल्डिहाइड SCHO को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में CH2O की होल्ड कराई मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। नोट कर लो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। नोट कर लीजिए मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बहुलक क्या है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बहुलक अल्प मात्रा में वास्तविक होने वाली गैस है, ऐसी अल्प मात्रा में वास्तविक होने वाली गैस है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है पांचवा नंबर, उसमें भी कोई हेडिंग नहीं है। देखो पांचवा नंबर डाल रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, देखो बेटा पांचवा नंबर डाल रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गोलकीकरण करने पर फार्मोस बनाती है। जिसका मिश्रण सरकराओं से आपसी कृत होता है जिसे फार्मोस भी कहते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड SCHO CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गोलकीकरण करने पर C6H12O6, इसी को ग्लूकोज भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं और फार्मोस भी कहते हैं।
फार्मोस, फार्मोस कैटल। अब कार्बन आपके सिक्स है तो यहां सिक्स लगा दो, हाइड्रोजन ट्वेल्व है, हाइड्रोजन ट्वेल्व है, ऑक्सीजन सिक्स है, ऑक्सीजन सिक्स है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से लिखिए। अभी नेक्स्ट कैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से क्रिया, फिनॉल से क्रिया, फिनॉल से क्रिया, इसको लिख लो, ये बहुत बड़ी रिएक्शन का इंपॉर्टेंट मान होता है। देखो फिनॉल को, फिनॉल को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्रेषित बनता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्रेषित बनता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, जिसे बेकेलाइट कहते हैं, जिसे बेकेलाइट कहते हैं, जिसे बेकेलाइट कहते हैं, जिसे बेकेलाइट कहते हैं। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, बहुत मजबूत प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। अब समझो क्रिया ध्यान से, ठीक है, सबको मालूम है फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन में गुणा के OH, यह है फिनॉल प्लस CH2O, ये सबको मालूम है, फॉर्मेल्डिहाइड लगा, एन का मतलब बहुत से बहुलक, ठीक है, तो
ऑक्सी कलर। नोट हो गया, देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण डायरेक्ट SCHO फॉर्मेलडिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे Na2CR2O7+H2SO4 Na2CR2O7+H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करेंगे फॉर्मिक अम्ल SCHO का ऑक्सीकरण करोगे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड SCHO। हो गया वो, बस लास्ट नंबर वाली जो अपचयन ऑक्सीकरण के बाद आठवा अपचयन यानी कि रिडक्शन अपचयन लिख लीजिए। सबको मालूम है फॉर्मेलडिहाइड के साथ अपचयन करेंगे तो HCHO+H के साथ रिएक्शन करेंगे बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल एक कार्बन हाइड्रोजन दो तीन हाइड्रोजन तीन है चार एक ऑक्सीजन पर दो लगा पिछले इसके अंदर को यूज यानी उपयोग मिल लो फॉर्मेलडिहाइड के क्या क्या उपयोग होते हैं इससे आपकी फॉर्मेलडिहाइड गैस पूरी कंप्लीट होती है। लिखिए आपको यूज को पहला ठीक है पूरे उपयोग लिख लो पहला फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग रंजक के निर्माण में किया जाता है तीसरा नंबर दूसरा नंबर की ताप द्रव प्लास्टिक जैसे बैटरी आयोग यूरिया फॉर्मेलडिहाइड रेजिन आदि के निर्माण में किया जाता है तीसरा एंड लास्ट पॉइंट लिख लो पहले चुनाव में जाकर जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एक पॉइंट और लिख लीजिए यूरिया का 40% जली विलयन पहले भी बता चुके थे फिर बता दें यूरिया का 40% जली विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है इस तरह से आपका फॉर्मेलडिहाइड गैस पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है सभी चीजें ध्यान से पढ़ें कल आपको नेक्स्ट
लेक्चर में पढ़ाएंगे, एस्ट्रेलिया है। धन्यवाद।